एवरीवन, कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा था कि हम लोग आए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा था कि हम लोग आए हुए हैं नलट्टी। तो नलट्टी का थोड़ा सा यहाँ पर नियम थोड़ा दूसरा होता था। यहाँ जो होता है खरना नहीं होता है, मतलब कल के दिन कद्दू भात होता था। जैसे मतलब एक दिन पहले खरना वाला दिन जो होता है वो कद्दू भात होता है यहाँ पर, तो खरना नहीं होता है। तो इसीलिए मैं मतलब खरना का तो दिखा नहीं पाई। तो आज तो मैंने दिखाया आपको कि ठेकुआ बन रहा है सुबह सुबह, और सब तो हो गया था, अब रेडी है ना। तो यहाँ पर तो नदी नहीं है, तो यहाँ घाट कैसा है और किस तरह का होता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आगे। आज के दिन सुबह में ही ठेकुआ बन जाता था, हमारा भी ठेकुआ बन ही चुका है, थोड़ा सा और बनाना है। आज पहली अलग का दिन, जैसा कि मैंने बोला, तो यहाँ पर क्या होता है कि आज के दिन सुबह सब कोई फल लेने जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेशन जो है नलट्टी में एकदम पास में ही है बाज़ार के, तो वही ट्रेन गया तो अब सब कोई जा रहे हैं लेने के लिए, मतलब पार करेंगे उस तरफ। मतलब हाफ़ मार्केट इधर, हाफ मार्केट उस तरफ है, अब बीच में ट्रेन चलती है। लेकिन ये बहुत रिस्की है, यहाँ पर बहुत सारा मतलब काम कांड होते रहता है। चलिए उसको साइड रखते हैं, अभी पहले बात करते हैं फल का। तो आज के दिन बाज़ार में बहुत भीड़ रहता है, सब कोई आज सुबह में फल लेने जाते हैं। तो ये है हमारा फल का दुकान, और यहीं से सारा कुछ ये लोग ले रहे हैं। सब भाई लोग गए हैं लेने के लिए फल, यहाँ पर सारा फल ले लेते हैं। और ये मार्केट जो है ये पूरा फल का ही मार्केट है, अंदर में पूरा जाएंगे तो ये पूरा फल ही दिखेगा। अच्छा लगता है, पूरा बाज़ार में भीड़ भाड़ रहता है, सारा कुछ हमें दिखता है। ईक है मेन, तो हम लोग का क्या होता है कोसी जो भरते हैं तो ईक लगता है। प्लस सारा फ्रूट्स हमें लेना होता है, जितना भी फ्रूट्स मार्केट में मिलता है सारा फ्रूट्स हम लेते हैं, ताकि हम उसका अर्घ में चढ़ा सकें। और बाज़ार में देखिए भीड़ तो आप लोग को दिख ही रहा है कि कितना सारा भीड़ है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा मार्केट पे आप लोग को दिखा देते हैं अंदर फल का मार्केट, के कितना लंबा लाइन है यहाँ पर। ठेकुआ तो बन गया, अब हम ये बाहर में छुट्टा ठेकुआ बना रहे हैं। छुट्टा ठेकुआ मतलब आप चीनी का बनाएंगे, और अलग वाला जो होता है वो गुड़ का बनता है। और ये बाहर में हम लोग चीनी का ठेकुआ बना रहे हैं। और ये सारा कुछ बनने के बाद में बुआ जी जो है अब डाला सरिया रही हैं, सारा कुछ फल सब धोआ गया है, सब कुछ हो चुका है। तो अब यहाँ पर जितना भी सूप लगता है, जो भी गछा हुआ सूप रहता है, उस हिसाब से बुआ जी सारा कुछ टीकेंगी। पहले टीक के सारा फल को सरियाएंगी, सरियाने के बाद फिर शाम होगा, मतलब जैसे कि 2-3 बजेगा, उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से रेडी होंगे और घाट के लिए निकलेंगे। लेट है आओ। अगर तो हम ले के फिर भागना है ना, कल तो भागना है ना, नहीं माँ भू पड़ी देगी दो बार, उसके बाद पहले जी डलवा निकलेंगे। केला आप झोला, केला भारी होगा तो सीरिया तो खाली बताइए सीरिया तो। तो ये हम लोग आ चुके हैं नीचे, और ये जो आप लोग देख रहे हैं बुआ जी का गश्ती था, ये पूरा कश्ती देते हुए घाट तक जाएंगी। बहुत दिन का मानत था इनका, बहुत साल के बाद में पूरा हुआ था, तो ये इसी तरह से कश्ती देते हुए जाएंगी। बहुत ही कष्ट वाला पर्व रहता है, लेकिन मानना पड़ेगा, छठी माई सबका मुराद पूरी करती हैं। तो इसी तरह से बुआ जी का गछा हुआ था कि बैंड बाजा के साथ में, और कश्ती देते हुए घाट तक जाएंगे। तो यहाँ बैंड बाजा वाले भी आ गए हैं, बहुत ही अच्छा बहुत ही सुहावना लग रहा था। अब सब कोई हम लोग घाट को निकल रहे हैं। जय छठी मैया।
ये जो आप मिट्टी का बेदी जो बना हुआ देख रहे हैं, इसमें सबका नाम लिखा हुआ रहता है, पहले से ही बुक होता है यहाँ पर कूपन सिस्टम की वजह से। और वो कूपन की वजह से कूपन जो बुक होता है वहीं से सबका नाम जो लिखा हुआ रहता है वहीं पर जाके सब कोई अपना नाम देखते हुए वहाँ पर जाके अपना डाला को खोलते हैं, जैसे कि यहाँ अभी खोल रहे हैं। और हम लोग का जगह जो है वो इस तरफ मिला हुआ है, फर्स्ट में ही हम लोग का जगह था, तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। अब खोल के सब सूप वगैरह निकाल रहे हैं, बुआ जी पहुँच के वहाँ पर स्नान करती हैं, तो देखिए आराम से स्नान करके फिर थोड़ा देर इंतज़ार करेंगी, उसके बाद अरग का टाइम होगा तो फिर अरग दिया जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक नियम है कि हाँ शाम में जैसे हम लोग जमुई में हम लोग अरग देते हैं सब कोई मिल के, यहाँ पर सिर्फ पंडित जी देते हैं, शाम में कोई अरग नहीं देता है, सुबह में सब अरग देता है। आगे चलते हैं, आगे आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर सजावट था, बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। पहले सुनते हैं कि ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ रहता था, ठीक से बना हुआ नहीं था, अभी 2 साल पहले ही ये बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, चारों तरफ बैठने का जगह भी था और बीच में इतना सुंदर पानी और क्या बोलते फाउंटेन जो चल रहा था, अच्छा लग रहा था। आई लव नलट्टी जो लिखा हुआ था वो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा वाइब दे रहा था। और जो मूर्ति जो बना हुआ था अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, सूर्य देवता का मूर्ति जो बना हुआ था। ये जो बेदी बना हुआ है उसमें सब कोई पहले कलश रखते हैं, कलश में आम का पल्लो, फिर नारियल चाहे बड़ा वाला नींबू, फिर उसके ऊपर दिया और फूल का माला। बहुत ही ज़्यादा शोभ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। चारों बगल सब कोई अपना अपना बेदी के ऊपर में कलश को टिक के पूरा अच्छा से आम का पल्लो वगैरह सब चीज़ जो लगा हुआ था, और दिया जो जल रहा था एकदम जगमग कर रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग को कैसा लगा यहाँ का नियम जो ये लोग कर रहे थे, कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है क्या ये भी ज़रूर बताइएगा। एक ही बार करते हैं 5 सौ।
काम हो चुका है और अर्घ पड़ने के बाद में सब अपना अपना डाला को फिर से लेके जाएंगे घर, और फिर हम लोग सुबह में 3 बजे भोर में फिर से आएंगे घाट पे। बहुत ही सुंदर लग रहा था, सारा डाला जो सजा हुआ था वो अच्छा लग रहा था, लाइट वगैरह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लाइटिंग किया हुआ था। और यहाँ पर सारा कोई डाला लेके जा रहे थे तो बहुत सुंदर लग रहा था, सबके हाथ में डाला थे और साथ में भक्तजनों सब कोई जा रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसी तरह का सुबह में भी सुहाएगा। अब यहाँ डाला बंधा रहा है, बंधाने के बाद में सब कोई अपने अपने घर को जाएंगे। तो कैसा लगा आप लोग को ये मेरा ये व्लॉग, छठ वाला नलट्टी का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, बहुत ही जानने का इच्छा है हमको। तो ये अभी ने ले लिया डाला को और अब चलेंगे घर। और इसके आगे का जो वीडियो होगा मैं कल कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। घर जाने के बाद भी अभी समाप्त नहीं होगा, अभी बुआ जी जाके वहाँ पर कुर्सी वगैरह भरेंगी तो वो हम लोग देखेंगे कल वाले ब्लॉग में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।